तो आदमी पानी का बहुत अहतमाम करता है पानी पीना चाहता है गर्मी लगी तो पानी खाना खाया तो पानी और पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और पानी की जरूरत पल पल पर रहती है इंसान को जहन्नम में भी, भी पानी की ज़रूरत महसूस होगी जन्नत में भी ज़रूरत महसूस होगी एक से एक साफ़ चश्मे के पानी जन्नत में अल्लाह ने जन्नती के लिए रखे हैं मगर जहन्नमियों के लिए कौन सा पानी होगा अल्लाह ताली ने फरमाया माए हमीम होगा माए हमीम माने खौलता हुआ पानी कोई गर्म पानी नहीं पीना गवारा करता है अगर कहीं डॉक्टर किसी इलाज के तहत गुनगुना पानी बताता है कि हल्का गर्म नीम गर्म पानी पी लिया करो उसको भी पीते हुए कतराता है खौलता हुआ पानी आदमी कैसे पी सकता है मस्कूरा बाला खाना खाने के बाद जहनमियों को गर्म खौलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा अल्लाफ़ात आयत नंबर छासठ सरसठ में फ़िन नमीन ये उसमें से खाने वाले हैं और उससे अपना पेट भरने वाले हैं जक्म खाएंगे मवाद और पीप और खून खाएंगे और जो है काटेदार घास खाएंगे यही सब खाएंगे जब कुछ है ही नहीं तो मर के खाना है उनको खाना ही खाना है अल्लाह ने कहा ये खाएंगे ज़बरदस्ती अपने पेट में ठूसेंगे और किसी तरीके से उसको निगलेंगे उसके बाद जब पानी की ज़रूरत होगी तो उनको गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा खौलता पानी पीते ही जहनमियों की आते हैं सब के सब कट जाएंगी और सब के सब बाहर निकल जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया कमन हुआ ख़ालिदिनार वक्कू मन हमीमा फ़कत तम अहम अल्लाह ने कहा कि क्या जन्नती लोग जो नेमतों में हैं जो अल्लाह के ताला के इक्राम में हैं अच्छे पानी और खानों में हैं, क्या ये उनकी तरह से है जो हमेशा में जहनम में रहने वाले हैं इनको गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी अतड़ियों को काट के रख देगा जाहिर सी बात है गर्म पानी जब पेट में जाएगा तो इंसान की अतड़ी को काट करके रख देगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें